सीओ कैंडिडेट योगेंद्र सिंह न्यायालय सुरक्षा का जायजा लिया, जिसके संबंध में सीओ कैंडिडेट योगेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी में कुल 5 गेट है, जिसमें गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 अधिवक्ता व वादकारियों की एंट्री होती है, जिनकी सुरक्षा में 57 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 3 उप निरीक्षक, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी गेटों पर DFMT लगा हुआ है और एक बैगेज स्कैनर लगा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बैग लेकर एंट्री करता है तो उसकी चेकिंग की जाती है और 85 कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग सेल विभानी बनाया गया है और 2 व्यक्ति CCTV कैमरे से सभी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो वो ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को सूचित करते हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीओ कैंडिडेट योगेंद्र सिंह ने कहा, कचहरी में कुल 5 गेट हैं जहां से एंट्री होती है। इनमें से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 जहां से वादकारी और सामान्य व्यक्तियों की एंट्री होती है। इसको लेकर जो मानक है, 57 लोग कुल पोस्ट किए गए हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, बाकी आरक्षी और महिला आरक्षी पोस्ट हैं। जितने भी हमारे गेट हैं एंट्री के, सभी पर DFMD लगी हुई है। 5 DFMD और 7 HHMD के द्वारा चेकिंग की जाती है। एक बैगेज स्कैनर हमारे यहाँ लगा हुआ है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो बैग लेके अंदर एंट्री करता है उसकी चेकिंग होती है। साथ ही साथ 85 कैमरे टोटल परिसर में और परिसर के बाहर लगाए गए हैं, जिससे कि लगातार निगरानी होती रहती है। इसके लिए कंट्रोल रूम कचहरी में बनाया गया है, जहां पर 2 व्यक्ति बराबर पोस्ट रहते हैं, जो उनको देखते रहते हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी अप्रिय दिख रहा होता है तो संबंध में जो भी लोग चेकिंग पे लगे होते हैं उनको सूचित करते हैं। साथ ही साथ जो कमेटी बनी हुई है इसकी मॉनिटरिंग के लिए, वो लगातार भ्रमणशील रहकर मीटिंग्स के माध्यम से जो भी कमियां होती हैं उनको लगातार परिशीलन का करते रहते हैं, और जो भी इम्प्रूवमेंट करना होता है लगातार किया जा रहा है।